विजिट कर रहे हैं। और भैया मैं आप लोगों को कोई जादू मंत्र मैजिक शो ड्रामा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोगों को हमारे कुछ राजस्थान की आर्ट और कुछ कलाकृति है उनके बारे में 5-10 मिनट्स में कुछ आपको कुछ प्रैक्टिकल बना के रहता है कि नहीं रहता है। तो आप लोग भैया को बताओगे कि ठंड के मौसम में सारे स्टूडेंट जैसे आप लोग अपने कॉलेज में आते हैं, तो हम लोग ठंड से बचने के लिए कॉलेज में क्या पहन के आते हैं? स्वेटर। वेरी गुड, स्वेटर, शॉल, टोपी, मफलर। तो आप लोग भैया को बताओगे कि मान के चलो स्टूडेंट्स आपके घर के अंदर स्वेटर रेडी हो जाने के बाद आप सभी स्टूडेंट के घरों के अंदर कुछ ऐसे बेकार से वेस्ट ऊन के धागे पड़े रहते हैं, आप लोग मुझे बताओगे आपके पास ऐसे वेस्ट ऊन के धागे पड़े रहते कि नहीं रहते? आप लोग सही बताना, इस वेस्ट ऊन के धागों को क्या आप लोग दोबारा स्वेटर बना सकते हो? फिर हमारे घरों के अंदर क्या होता है, कचरे की माफी इस तरीके से बेकार से ऊन जमा हो जाते वेस्ट। अभी आप लोग सही बताना, ये वेस्ट ऊन अगर आप लोग इसे दुकान बाजार मार्केट में सेल करने जाओगे तो इसकी मुझे कोई कीमत ला के दे सकता है? 1 रुपया भी दे सकता है? क्योंकि स्टूडेंट ये वेस्ट है। पर हमारे राजस्थान की गर्ल्स एंड बॉयज आप लोगों की तरह वो लोग क्या करते हैं, इस वेस्ट ऊन को वो लोग मतलब फेंकते नहीं बल्कि जमा करते हैं, और इन ऊन से वो 1-2 रुपये नहीं कमाते हैं बल्कि अपने घर पे बैठे बैठे 1000-1200 रुपये कमा सकते हैं इस ऊन सिर्फ वेस्ट ऊन से। ये हमारे कुछ 7 क्लास के स्टूडेंट ने बेकार ऊन से ये डिजाइन तैयार किया। तो स्टूडेंट्स ये जो भाग आप लोग, तो स्टूडेंट्स ये दोनों साइड से हमारे कुछ राजस्थान ने बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। पर आप लोग इनका बनाने के लिए आपकी बैग के अंदर कितना बड़ा मशीन लेके आए होंगे? स्टूडेंट्स भैया के पास इसका बनाने का कोई मशीन, फैक्ट्री, कारखाना कुछ नहीं? एक्चुअली में पहले आप लोग मुझे बताओगे आप लोगों के पास ये कपड़े सीने का सुई तो होता है ना? स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमें लेना है कपड़े सीने का सुई, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छी कला है। आप लोग तो मुझे पता है बड़े स्टूडेंट्स हो इन चीज़ों को लाइक करते नहीं हो, बट अपने घर के स्टूडेंट जैसे मम्मी सिस्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है कि फर्स्ट में हमें वेस्ट ऊन का धागा लेना है। स्टूडेंट्स सिर्फ 5 मिनट आप लोग भैया की तरफ ध्यान दोगे, पहले आप लोग मुझे बताओगे कपड़े सीने का सुई तो आपके घरों के अंदर रहता है ना? सुई के बीच में हमें एक छोटा बड़ा इस तरीके से धागा फंसाना है। स्टूडेंट्स सुई के बीच में हमें एक छोटा बड़ा धागा फंसाना है और इस धागे के बीच में हमें ऊन को ज्वाइन करना है इस तरीके से। देखिए आप लोग आपके आने वाले मतलब कि कुछ वेस्ट टाइम में आप लोग वेस्ट कपड़ों पे एक डिज़ाइन, नाम, नक्शा आप लोग बना सकते हो। फर्स्ट कपड़े सीने की सुई के बीच में एक धागा फंसाना है, धागे के बीच में आपको एक छोटा बड़ा इतना सा एक वेस्ट ऊन ज्वाइन करना है। ऊन या अपने घर के अंदर जो बेकार धागे पड़े रहते हैं उसे ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर से स्कूल कॉलेज में हम लोग दिखाना बताना हमारा फ्री ऑफ चार्ज होता है। स्कूल कॉलेज से हमें एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, वो सर्टिफिकेट हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में शॉप करते तो मुझे मतलब क्राफ्ट टीचर का जॉब मिलता है। इसी तरीका से कुछ हमारे राजस्थान के कुछ ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट ने इनका बनाने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है उलन पाइप। क्या नाम रखा है? उलन पाइप। इस पाइप की मदद से 7 क्लास के स्टूडेंट ने ये डिज़ाइन तैयार किए। पर इसे कैसे तैयार किए ये तरीका भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ 5 मिनट आप लोग ज़रा ध्यान से देखें। आप लोग बताओगे उलन पाइप के पीछे आपको एक छोटा बड़ा हॉल दिख रहा है? स्टूडेंट्स फर्स्ट में नीडल को हमें यहाँ से इंटर करना है, पकड़ के आप लोग जैसे इसे ऊपर की ओर खींचोगे साथ में उलन भी आएगा। इसके सामने से अपोजिट एक मिनी पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स इन मिनी पॉइंट पे हम लोग क्या करोगे, जहाँ से ऊन आता है इसे वहाँ से इंटर करेंगे, बैक साइड से नहीं, जहाँ से ऊन आता है इन्हें फ्रंट साइड से इंटर करेंगे। बस सुई और ऊन का काम खत्म, सुई ऊन को हम लोग अलग अलग कर देते हैं और उलन स्टॉप करने के लिए एक छोटा बड़ा आपको यहाँ से घाट लगा देना। घाट लगाने के बाद जैसे आप इन्हें डाउन साइड खींचोगे तो no, sure नहीं। मुझे बताओगे आपके घरों के अंदर ऐसा कोई लकड़ी का राउंड फ्रेम या रिंग है? मान लो स्टूडेंट्स आपके घरों के अंदर अगर ऐसे लकड़ी का फ्रेम नहीं है तो आप लोगों को दुकान बाजार मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं। आपके घर के अंदर खाने खाने का टिफिन होता है ना,
पानी पीने का लोटा ग्लास, एक्चुअली वो भी नहीं हो तो खिचड़ी खाने का तबुला बगुला तो होगा, उसके ऊपर आपको कपड़ा रखना है, उस कपड़े को रबड़ रस्सी से टाइट करना है। सो टाइट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसे जब भी यूज करोगे तो इसे हमें पकड़ना है पेन या पेंसिल की तरह। कैसे पकड़ना है? पेन या पेंसिल की तरह। और पहले आप लोग किसी भी कपड़े के ऊपर, रुमाल, शर्ट, टी शर्ट, पेंट, पर्दा कवर, टीवी कवर, एनीथिंग क्लॉथ, आप लोग उसके ऊपर पहले पेन पेंसिल से एक ड्राइंग बनाओगे और उस ड्राइंग के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोगों को इन्हें टच करना है कपड़ों में पूरा लास्ट एंड, यहाँ तक उठाने के बाद बिल्कुल कम पूरा टच करोगे, उठाओगे कम, डुबाओगे पूरा, पास पास नजदीक नजदीक आपको सिर्फ ऐसे स्टिचिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन बनते जाएंगे, ना आपको पकड़ना है, ना आपको रोकना है, ना आपको हाथ लगाना है, ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन बनते जाएंगे। ये जो स्टूडेंट साइड बता रहा हूँ मैं, ये बैक साइड है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया यहाँ से बना रहे हो कि पीछे से उनको पकड़ रहे होगे, सॉरी स्टूडेंट, पीछे से को पकड़ने रोकने वाली बात नहीं, पीछे से उनके ऑटोमेटिकली ऐसे थ्रेड जॉइंट हो जाते हैं जिन्हें पकड़ा रोका जाता नहीं। इन धागों को स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में पहले अपने फिंगर से इन्हें ऊपर की ओर खींचेंगे। खींचने के बाद आपके घर के अंदर छोटा बड़ा ब्लेड या सीजर तो होता है ना, उस ब्लेड सीजर से इन्हें आपको छोटे छोटे कट काटना है। काटने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा, ये धागे आपके सामने एक वेलवेट और एक मकपल की तरह बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये काटा हुआ भाग हमेशा हमारा रहता है सीधा और बनाने वाला साइड हम लोग इसे बोलते हैं उल्टा। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये राजस्थान से, भैया को इन चीज़ों की काफ़ी प्रैक्टिस है, ये भैया के हाथों से ही बनता होगा, शायद हम लोग इसे ट्राई करेंगे तो हमारे हाथों से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए मुझे माफ़ करना, मैं सारे स्टूडेंट को तो बुला के सिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे आपके स्कूल कॉलेज के बाद मुझे दूसरा स्कूल कॉलेज भी विजिट करना होता है। तो प्लीज़ आप में से कोई भी गर्ल्स बॉयज़ उठ के एक मिनट के लिए मेरे पास आ सकते हैं और अपने हाथों से आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एनी वे गर्ल्स बॉयज़ में शाबाश। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग भैया को बताओगे कि ये बॉयज आपके कॉलेज के हैं कि हमारे कॉलेज के, तो आप लोग सही बताना। जब आपके स्टूडेंट ये बना सकते हैं तो आप लोग बना सकते हो। अगर मान लो स्टूडेंट कि इनके हाथों से नहीं बनेगा तो आप लोगों के हाथों से भी नहीं बनेगा। तो बनाते वक्त मेरी एक छोटी सी गलती हो गई इसके अंदर। गलती क्या हो गई है कि मुझे डालना था इसकी जगह रेड कलर। कौन सा कलर डालना था? रेड कलर। और मैंने जल्दबाजी के अंदर ये कौन सा कलर ज्वाइन कर दिया? ग्रीन कलर। तो आप लोग बताओगे क्या पहले मैंने इसे नीचे से काटा है? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम लोग गलती से काट देंगे तो वो वापस रिटर्न कभी भी निकलेगा नहीं। आपसे गलती हो गई कि भैया हमने रेड की जगह इसके अंदर ग्रीन कलर लगा दिया, तो आप लोग इसे काटोगे नहीं बल्कि पाइप के ऊपर सिर्फ यहाँ पर उंगली लगाओगे और इस पाइप को पकड़ के यहाँ से रिटर्न बैक कर दोगे। ना अपना क्लॉथ वेस्ट, ना थ्रेड, ना पाइप। 10 बार आप लोग प्रैक्टिस करो। आपके स्टूडेंट्स ने देखो मुझसे कोई ज्यादा वक्त और कोई ज्यादा समय नहीं लिया है, बल्कि एक सेकंड के अंदर इन्होंने एक छोटा बड़ा लाइन तैयार कर दिया। बताओ एक सेकंड के अंदर एक लाइन तैयार कर सकते हैं तो आप लोग भैया को सही सही बताना, आधे घंटे के अंदर एक डिजाइन रेडी कर सकते हैं कि नहीं? तो स्टूडेंट्स आप लोग भैया को बताओगे ये जो डेमो मैंने आप लोगों को दिखाया कैसा लगा मेरे डेमो, अच्छा कि बुरा? तो आप लोग सही बताना, अच्छा। प्रोग्राम सिर्फ आप लोग देखना चाहते हो कि ऐसा कुछ डिजाइन भी बनाना चाहते हो? तो बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे साथ राजस्थान चलना पड़ेगा। क्या अपने कॉलेज में सीखोगे? तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने कॉलेज में सीखने के लिए पहले आप लोग भैया को सही सही बताना, आपके घर के अंदर ये कुछ वेस्ट ऊन के धागे पे है? शाबाश। और आप लोग सही बताना, आपके पास ये उलन पाइप है? ये मेरे पास भी नहीं है। ये पाइप अगर आप लोगों को चाहिए तो ये पाइप आपको मंगवाना होगा हमारे अजमेर शरीफ राजस्थान से। कहाँ से मंगवाना होगा? अजमेर शरीफ राजस्थान से, जिसकी बाईपास प्राइस आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होती है। देखो राजस्थान से मंगवाने से एक पाइप की प्राइस होती है 45 रुपीज़ पर। कितनी होती है? 45। और आपको ये मिलेगा एक महीने के बाद। पर हम लोग आपके यहाँ पे जितने भी स्कूल्स कॉलेज विजिट करते हैं तो हमसे सर टीचर पूछते हैं भैया आप दिखा के चले जाओगे, हमारे स्टूडेंट्स इसे लेना चाहते हैं, तो एक महीने के बाद तो वो भूल जाएंगे। तो इसके लिए 10-20 पाइप हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, शौक है, कंपलसरी जोर जबरदस्ती दबाव भैया का किसी के ऊपर नहीं, इच्छुक है, आप लोग अपने घर में अपने मम्मी सिस्टर को भी सिखाना चाहते हो तो ये पाइप अपने कॉलेज से आज अभी लेना चाहोगे तो इसकी प्राइस मैंने कितनी बताई? पर आपको ये 45 रुपीज नहीं, आज अभी लेना चाहोगे तो आपको 20 रुपीज में मिलेगा। ये कितने में मिलेगा? 20 रुपीज में। और स्टूडेंट आप लोग खुद
पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो कि 10-20 रुपीज जमाने में कोई बड़ी कीमत नहीं। आप लोग कुरकुरे